चिंतन करते करते भाव की मौत हो गई, आंखों में आंसू आ गए।
पिता उनका बड़ा भाई वहां पर आया। उन्होंने देखिए तुम लोग उसको भूल गए, यह नहीं थे मैं तुम्हें को लेने के लिए आया, अरे तो लेकर के जाऊंगा और वही पर तो एक महीना पूरा रहा ये लेख का करके और सिद्धांत उनके साथ जटिला से आदेश दिया और उनको लेकर गए। वहां पर बड़ी खुश हुई, माता जी से मिली और सब लोगों से मिली, छोटी बहन नंद मंजरी से मिली और आंखों में आंसू भर कर सभी आ गए। इसके बाद मिले वही पर पन्ने कदम्ब की डाल के ऊपर में झूला लगा। उन्हें दो प्रकार के हो गए, एक तो एक ही खुलने की सी पटरी पर बैठ गए बुलाते और अपने शरीर के दम से उसको ऊपर नीचे ले जाते। और एक होता है एक ही खुलने दो पटरी आपने एक साथ दो सहेलियां या एक पर कृष्ण बैठते हैं एक पर राधा जी वो सहेलियां बुलाते हैं से खुला होता है। तो बलदान गाड़ी लगी सखिया खुला लगी, इतने में नंद बाबू से किसी प्रकार से कृष्ण वहां पर पहुंचे। उस समय सखियों ने कृष्ण को बैठाया चूल्हे पर और कृष्ण प्रतीक्षा कर रहे हैं राधा जी तो है ना राधा आई बदर बदर माने बातों पर बढ़ करके सभी मान्य करो क्या है मान्य करो गोपियों को सुख देना चाहता है, गोपियां कृष्ण को सुख देना चाहता है।
अपने घर में छोले डालकर राधा कृष्ण को बुलाएंगे, मंदिरों में बुलाएंगे, हमारी भक्ति किसी प्रकार से भाई वो कहेंगे। कृष्ण ऐसे ही लीलाएं करते हैं जो उनके समय में देखेगा, जो लीलाओं का सुनेगा, जो लीलाओं का वर्णन करेगा, सबको शुद्ध भक्ति को कृष्ण में प्रेम होगा। इसलिए सब ऐसे लीलाओं को लीला में गोविंद लीला में कृष्णदास Yeah.